A very good morning to all of you. It's your biology class now. In the yesterday's lecture, we have studied about the mechanism of breathing, and today we will study about the gaseous exchange in lungs. So we know that the alveoli are very thin walled and have a network of blood capillaries. हमें पता है कि एल्वोलाई क्या है, उसकी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और उसमें नेटवर्क होता है ब्लड कैपलरीज का. ठीक है, कैपलरीज बहुत माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये कैपलरीज वहाँ प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे कोई बड़ी ट्यूब या कोई बड़ी वेन एंड आर्टरी नहीं जा सकती, तो उन जगह पर ब्लड पहुँचाने के लिए कैपलरीज मौजूद होती हैं. ठीक है, तो एल्वोलाई क्या है, दीज आर थिन वॉल्ड एंड हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपलरीज, सो दे आर एन एक्सीलेंट साइट फॉर गैशियस एक्सचेंज. इसलिए गैशियस एक्सचेंज के लिए ये एक बेस्ट साइट है, बेस्ट प्लेस है. द ब्लड विच इंटर्स दीज कैपलरीज हैज़ लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन. जो ब्लड इन कैपलरीज में इंटर होता है उसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन क्या होती है, लो होती है. ठीक है, वेयर एज इनहेल्ड एयर प्रेजेंट इन एल्वोलाई डिफ्यूजिज इन टू कैपलरीज हैव मोर देन डैट ऑफ द एल्वोलाई. इसमें क्या होता है, जो हमने इनहेल की होती है एयर, वो इन एल्वोलाई के अंदर कैपलरीज में जाके डिफ्यूज आउट हो जाती है और उसमें जो एयर प्रेशर होता है या ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजिज आउट ऑफ द ब्लड इन टू द एल्वोलाई. इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, वो डिफ्यूज आउट हो जाता है ब्लड में. कहाँ से, एल्वोलाई से. ठीक है, जो ऑक्सीजन हम एल्वोलाई में इनहेल करते हैं और वो ब्लड कैपलरीज के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर डिफ्यूज होकर ब्लड में आ जाती है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डैट इज अबाउट बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग. ठीक है, स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मोकर्स हैव हायर रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस. जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जो हैं वो लग सकती हैं. ठीक है, अब स्मोकिंग का जो ताल्लुक है वो लंग्स के साथ है, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिस्पायरेटरी ट्रैक डिजीजेस जो हों वो इनको लग सकती हैं. ठीक है, अब स्मोकिंग क्या करता है, इट कॉज कैंसर इन लंग्स, किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, ओसोफेगस, पैनक्रियास एंड स्टमक. आपको पता है लंग्स क्या है, डैट इज़ द ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, किडनीज आर द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरल कैविटी हमारा माउथ होता है, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है, ब्रेस्ट हमारा चेस्ट कैविटी है, ब्लैडर हमारा स्टोरेज ऑर्गन होता है, ओसोफेगस ट्यूब है जहाँ से हमारा फूड पास आउट होता है, पैनक्रियास इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोनल सिक्रीशन, एंड स्टमक हमारा फूड डाइजेशन जो ऑर्गन है. ठीक है, अब स्मोकिंग में क्या होता है, टोबैको मौजूद होता है. टोबैको इस वर्ड, इट कंटेन्स 4000 केमिकल्स. इसमें 4000 केमिकल्स मौजूद होते हैं जिसमें से 69 जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं. कार्सिनोजेंस क्या है, द कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस. ठीक है, वो केमिकल्स जो कैंसर कॉज करते हैं. अब इन 4000 केमिकल्स में से जो 69 कार्सिनोजेंस होते हैं वो स्मोकर्स इनहेल करते हैं. सो मेजॉरिटी केमिकल इनहेल्ड बाय स्मोकर्स इज टार. जो केमिकल स्मोकर्स इनहेल करते हैं उसमें ज़्यादातर टार मौजूद होता है. ठीक है, व्हाट इज टार, इट इज सॉलिड एंड इट स्टेन्स टीथ एंड फिंगर्स. ये क्या करता है, हमारे टीथ को और फिंगर्स को स्टेन कर देता है. स्टेन कहते हैं दाग लगना. ठीक है, वो डार्क कलर के जो हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आपने उनके टीथ एंड फिंगर्स देखे होंगे, उनका कलर चेंज होता है. ठीक है, एंड टार डैमेज एंड स्टेन लंग टिश्यूज़. जिस तरह हमारे टीथ एंड फिंगर्स को टार जो है वो स्टेन करता है, इसी तरह हमारे लंग्स के टिश्यूज़ को भी टार डैमेज कर देता है एंड स्टेन कर देता है. ठीक है, और इसका क्या फंक्शन होता है, एक और, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड पिलजम. ये जो हमारे कफ के दौरान जो म्यूकस सिक्रीट होता है उसकी प्रोडक्शन को भी ये इंक्रीज कर देता है. ओके, सो निकोटीन and carbon monoxide, benzene and some few more metals are also present in the cigarette. So first of all, we will read about the nicotine. Nicotine has very harmful effects on the body, such as increased heart rate, blood pressure, constriction in the
blood vessels, damage to the muscles and disturbance in the hormonal system and metabolism. ठीक है, ये जो है इसके बहुत ज़्यादा harmful effects हैं. ये heart rate को increase कर देता है, blood pressure को increase कर देता है, blood vessels को constrict कर लेता है, damage कर देता है blood vessels को, और हमारे hormonal system को और metabolism को जो है disturb कर देता है. ठीक है, nicotine can also increase platelet stickness in the blood. हमारे blood में जो platelets मौजूद होते हैं उसको stick कर देता है, which can cause blockage and cause coronary diseases. वो हमारे जो vessels होती हैं उसको block कर देता है और उससे coronary diseases होती है. coronary diseases heart diseases को कहते हैं. ठीक है, the next one is carbon monoxide. When carbon monoxide is formed when a cigarette is lit. जब हम सिगरेट जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनता है. ठीक है, इट कंबाइंस विद द रेड ब्लड सेल्स. ये जब रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन हो जाता है तो इट प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन. तो ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उसको प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू एयरवेज. जो एयर पैसेज हुए होता है उससे हमारी बॉडी में इंटर होता है. ठीक है, द टॉक्सिन्स विच आर प्रेजेंट इन इट इज इट कॉज इन्फ्लेमेशन एंड इनपेयर लंग फंक्शंस. ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और जो लंग के फंक्शंस हैं उनको इनपेयर कर देता है. मतलब एक लंग जो है वो दूसरे लंग से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है. एंड इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग डिजीजेस. The next one is benzene. Benzene is the major component which is present in the cigarette. It is also carcinogens. ठीक है, ये भी carcinogen है. Carcinogens means cancer causing chemicals. Formaldehyde is also present in the cigarette. It causes respiratory diseases, skin diseases and gastrointestinal problems. हमारे stomach and intestine की जितने problems होते हैं वो benzene cause करता है. Some few more metals are also present in the cigarette that are arsenic, nickel, cadmium, chromium, lead and some radioactive compounds. These radioactive compounds are carcinogens. These all cause the bad effects on our health and especially on our respiratory system. Okay, the next topic is about effects of exercise on the rate of breathing. ठीक है, हमारा जो normal rate of breathing होता है और exercise का effect उस rate of breathing पर क्या होता है. ठीक है, under resting condition जब हम rest कर रहे होते हैं the rate of breathing is about 15 to 20 times per minute. तो हमारा जो rate of breathing होता है वो हम एक मिनट में 15 से लेके 20 times breathe करते हैं. But during exercise, लेकिन जब हम exercise कर रहे होते हैं it increases. ये इंक्रीज हो जाता है. क्यों इंक्रीज हो जाता है? बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. क्योंकि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज होने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्यों ऑक्सीडाइज होना है? आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है जितना भी वर्कआउट करती है वो तब करती है जब हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है. ठीक है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है. और वो ग्लूकोज कहाँ से आता है? जब हम फूड इनटेक करते हैं. ठीक है, तो फूड इनटेक करने में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करने के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, उसके लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, एज अ रिजल्ट इसके रिजल्ट में क्या होता है? मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस. तो इसके रिजल्ट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, विच एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड. जो ब्लड के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाती है. एक्यूमुलेट मतलब गैदर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है. ठीक है, दिस ब्लड, जब ये ब्लड जो है रीचेज द ब्रेन मेडुला, ब्रेन में मेडुला के पोर्शन में जब इंटर होता है, जो क्या है? ब्रीथिंग सेंटर है. जो क्या है? ब्रीथिंग सेंटर है. ठीक है, इट डिटेक्ट्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड. ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है. एंड दिस ब्लड सेंड नर्व इम्पल्सिस टू डायफ्राम. ये क्या करता है? नर्व इम्पल्सिस सेंड करता है डायफ्राम को एंड रिब मसल्स को एट अ ग्रेटर स्पीड. ज़्यादा स्पीड में जो है डायफ्राम को और रिब मसल्स को जो है नर्व इम्पल्सिस सेंड करता है. स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इंक्रीजेस. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं. ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या है? इंक्रीज हो जाती है. एंड द ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस अप टू 30
30 टू 40 टाइम्स पर मिनट, और जो ब्रीथिंग रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है अप टू 30 टू 40 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अब इसमें क्या है, एयर कंपोनेंट्स में हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम जब एयर इंस्पायर करते हैं तो 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड वेरिएबल होते हैं, वाटर वेपर्स एंड टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है। और जब हम एक्सपायर करते हैं एयर को तो 16% ऑक्सीजन हम एक्सपायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 4% करते हैं, वाटर वेपर जो है वो सैचुरेटेड होते हैं एंड टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू।